सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृतिक आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले वाले जो अपना वीडियो बनाया था उसमें बात करी थी कि ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिस पर आप बिना पैसा लगाए अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों, उसी में से आज मैं आपको दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने रहा हूँ, ब्लॉगर। हाँ दोस्तों, ब्लॉगर एक वेबसाइट जैसा काम कर सकता है। दोस्तों, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप ब्लॉगर बना के उस पर अर्निंग कर सकते हो, या आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो तो आप भी एक ब्लॉगर बना के उससे अर्निंग भी कर सकते हो। आप आपके पोस्ट डाल के उस पर कहानियाँ लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो जो लोगों को पसंद हो। अगर आपको लोग जानते हैं तो आपके ब्लॉगर पे आएंगे, आप उससे अर्निंग कर सकोगे। हाँ दोस्तों, मैं आपको आज यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे हमें वेबसाइट बनाते हैं उसके लिए हमें DNS सर्वर लेना पड़ता है, डोमेन लेना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ जो लगती है वो हमें लेना पड़ती है। पर ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको सब फ्री दे रहा है। गूगल अपनी तरफ से एक ब्लॉगर आपको देता है जो एक स्पेस रहता है एक आपकी पहचान गूगल पे बनाने के लिए, तो वो हमें टोटली फ्री देती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह उसको क्रिएट करके इनकम अर्निंग कर सकते हैं, उसको एडसेंस अकाउंट से जोड़ के आप अर्निंग आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे, फिर ये जो 9 डॉट है उस पर क्लिक करके ब्लॉगर पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ब्लॉगर ओपन हो गया है। अब हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कोई सी भी ईमेल आईडी जो आपके जीमेल पर बनी हो वो एंटर करके ब्लॉग ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं ब्लॉग ओपन हो गया है। अब हम क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करके ब्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अब ये टाइटल मांग रहा है। टाइटल में आप कोई सा भी नाम डाल सकते हैं जो आपको वेबसाइट बनवाना हो। वेबसाइट बनवा नहीं पा रहे हो तो आप ब्लॉग के थ्रू वो नाम आप इसमें डाल सकते हैं। और एड्रेस में आपको घर का एड्रेस नहीं डालना है, आपका जो भी नाम है जैसे .com वगैरह होता है ना, उस टाइप का नाम आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाला टाइटल में रसोई विद सोनम, और रसोई विद सोनम .blogspot.com। blogspot.com गूगल की तरफ से हमें फ्री में मिलता है सब डोमेन। अब हम क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, हमारा ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हैं हम व्यू ब्लॉग पर जाके ब्लॉग को एक बार चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लॉग बन चुका है, हमारी वेबसाइट से लिखा ब्लॉग बन चुका है, पर अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या करना पड़ता है। अब सबसे पहले हम इसकी थीम सिलेक्ट करेंगे। हम थीम एकदम सिंपल रखेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। मैंने थीम अप्लाई करी, अब देख सकते हैं आप कि हमारा ब्लॉग में एकदम पहले कैसा था, आप कितना अलग दिख रहा है। अब इसमें हम और सेटिंग करेंगे, इसमें हम और डिज़ाइन देंगे। सबसे पहले हम लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत सारे कि हमें ब्लॉगर में क्या क्या ऐड करना है, जो हमें ब्लॉगर गूगल फ्री देता है, गैजेट्स वगैरह। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, एडसेंस का, ब्लॉग सर्च का, विकिपीडिया का। मैं यहाँ पे ब्लॉग सर्च का ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ। इस तरह आप बहुत सारे ऑप्शन इसमें 2, 3, 4, 5, 6 गैजेट जितने आपको डालना है आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह मैंने 2-3 गैजेट इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारा ब्लॉग किस तरह दिखेगा। दोस्तों, अब हम हमारा ब्लॉग चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा न्यू ब्लॉग किस तरह दिख रहा है, इससे मैंने कौन कौन सा ऑप्शन ऐड करे हैं। अब हम डिज़ाइन पर जाएंगे और इसको एकदम वेबसाइट तरीके डिज़ाइन हम देने की कोशिश करेंगे। चलिए हम चलते डिज़ाइन पर। अब हमें कस्टमाइज़ पर क्लिक करना है, यह ऑप्शन खुल चुके हैं कस्टमाइज़ के। अब सबसे पहले हमें थीम का बैकग्राउंड आप जो भी रखना चाहो रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं, ऑरेंज रख सकते हैं, येलो रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड चूज़ करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग बैकग्राउंड है, आप कोई सा भी रख सकते हैं। ये मैंने ब्लैक बैकग्राउंड चूज़ कर लिया है।
यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं और दूसरी बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वाइट वाली इमेज एंटर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारा ब्लॉक थोड़ा चेंज हो चुका है। अब आप एज विथ में जाके इसकी लंबाई चौड़ाई घटा सकते हैं। इसके बाद आप लेआउट में आके आपको ऊपर नीचे आइड में साइड में कितने बॉक्स रखना है ये आप रख सकते हैं। एडवांस में जाके आप हर एक जैसे टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, सबके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कोई से भी फ़ॉन्ट रख सकते हैं आप, इम्पैक्ट रख सकते हैं, टाइम्स ऑफ रोमन रख सकते हैं, जो आप चाहो वो फ़ॉन्ट आप रख सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने टाइम्स ऑफ रोमन कराए, साइड के फ़ॉन्ट एकदम चेंज हो गए हैं। अब हम अप्लाई ब्लॉक करके हमारा ब्लॉक चेक करेंगे कि किस तरह बन गया है। मैं अप्लाई ब्लॉक कर चुका हूँ। अब हम व्यू ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा ब्लॉक रेडी है, पूरी तरह से हमारा ब्लॉक बन चुका है। अब दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको पोस्ट किस तरह डालना है। ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करा हमने। इसके बाद आप जो भी चाहो कहानियाँ पोयम आपके बारे में कुछ भी पोस्ट में डाल सकते हो। पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी पोस्ट आपका कॉपी किया नहीं हो, कॉपीराइट नहीं लगा हो, किसी दूसरे का यूज़ नहीं करा हो, जो भी बनाओ आप अपना बना के डालो तो आपकी इनकम अर्निंग पक्के है। अगर आप दूसरे का डालोगे, दूसरे का कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका ब्लॉग बहुत जल्दी बंद हो जाएगा और गूगल एडसेंस आपका डिसेबल हो जाएगा। ये मैंने एक पोस्ट डाल रहा हूँ आपके सामने, आपको दिखाऊँगा किस तरह अब हमारा ब्लॉग दिखने लगेगा। यह मैंने पोस्ट डाल दिया है। अब मैं इसे पब्लिश करूँगा। ये कंफर्म कर दिया, मैंने पब्लिश कर दिया है। अब चलिए हम व्यू ब्लॉग पर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ किस तरह हमारा ब्लॉग दिख रहा है। देखिए दोस्तों हमारा ब्लॉग बन के पूरा रेडी है। ये जो जो हमने ऑप्शन डाले थे, गजेट्स, सर्च ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, जो हमने वहाँ पे गजेट ऐड किए थे। आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हैं, विकिपीडिया आ गया, ब्लॉग सर्च आ गया। दोस्तों हम यहाँ पे जाके पिंटरेस्ट, फेसबुक, ट्विटर इससे लिंक कर सकते हैं, जिससे हमारा पोस्ट ऑटोमेटेड हमारे पिंटरेस्ट, फेसबुक या ट्विटर वाले अकाउंट पे पोस्ट होगा। चलिए दोस्तों बाय बाय।